हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज कोई काम नहीं करना है, सुबह का सारा काम मेरा हो गया है, कंप्लीट हो गई है और पूजा वगैरह भी मेरी हो गई है। और इसके बाद ना मैंने सोचा ना कि आज सारा काम करने के बाद ना मैं मंदिर की सफाई करूंगी थोड़ी, और मंदिर को सेट करना है मुझे और मंदिर को और बेहतर बनाना है मुझे, क्योंकि मंदिर मेरा ये देखिए मंदिर है ये, और थोड़ा कागज़ जो मैंने ये सारे चिपकाए थे तो सारा मेरा उखड़ गया है, तो अच्छा देखने में भी नहीं लगता है। और मैं सोच रही हूँ ना कि ये ऊपर वाले जितना ऊपर वाले मंदिर को मैं नीचे कर दूँ। और ये देखिए रंगीन मैं पेपर ले आई हूँ। ये पेपर मैं उस दिन मंगाई थी इस कृष्ण जन्माष्टमी में, तो लगाई थी, तो उसी को मैं कहाँ इसको फेंकूँ, इसका उपाय मैं कर लेती हूँ, इसी जगह लगा दूँगी और यहीं पर मेरे सारे भगवान रहेंगे। और इस पर मेरा पीतल वाले जितने सामान हैं जो पूजा वगैरह करती हूँ, पीतल वाले जितने सामान हैं ना, तो ये इस पे रखूँगी। गंगा जल डिब्बा डिब्बी जितने हुमाद है, अगरबत्ती है, ये सारे मुझे दिक्कत हो जाती है, ये देखिए उस पर थोड़ा रखी रहती हूँ, तो थोड़ा गिरने का भी डर रहता है और दिखता भी नहीं अच्छा है। तो मैं यही सोच रही हूँ कि ये दोनों, ये और ये अलमीरा को, दोनों को मैं पूजा का ही कर दूँ, तो थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में भी और पूजा करने में भी मन लगेगा। चलती हूँ, इसको अच्छे से मंदिर को बिल्कुल बदल दूँगी। आज मंदिर साफ़ सुथरा रहती है ना, तो थोड़ा अच्छा रहता है, दिल को सुकून पहुंचता है और अच्छी अच्छी चीज़ें मन में, मतलब खुशी होती है, अच्छा साफ सफाइयाँ हो घर में। तो चलिए आज मैं इसी को करती हूँ। और यहाँ पर देखिए ये है न्यू साड़ी। तो ये साड़ी का क्या कहानी कहूँ आपसे, ये कम से कम 4-5 साल पुराना ये साड़ी है। ये नेट का साड़ी है, जब शुरू शुरू निकला था ना बहुत ज़ोरों शोरों से नेट का साड़ी, तो मैंने ख़रीदने गई थी, तो जानते हैं दुकानदार ने मैं ठग दिया था हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों ना ये चेक नहीं किए थे कि कितना लंबी है, और मैंने सिर्फ देख कर ना सुंदर लगा, देखने में अच्छा लगा था तो हमने ले ली। और लेने के बाद ना जब घर आती हूँ फिर भी मैं नहीं देखती हूँ इसे, इसी तरह से मैं पैक करके रख देती हूँ, सोचती हूँ ना कि मैं पहनूँगी। थोड़े दिनों के बाद तीज आ रहा था ना, तो सोचा था ना कि तीज में पहनूँगी, और इसी तरह से अच्छे से मैंने रख दी थी। और जब तीज हुआ ना तब मैं निकाली इसे पहनने के लिए ना, तो देखा कि छोटा पड़ गया है, मतलब सब बहुत छोटा था ये साड़ी, इतना ठग दिया था। तो इसके बाद मैं क्या करती, फिर तो दुकान में जा नहीं सकती, इतने दिनों के बाद अगर दुकान में लौटता भी नहीं है, दुकानदार लेता नहीं है, तो इसी तरह ना न्यू का न्यू ही मेरा ये धरा हुआ था बक्से में, तो इसे इसी तरह से पड़ा था, क्या करूं इसे, किसी को दे भी नहीं सकती क्योंकि ये छोटा था, तो इसीलिए ये पड़ा ही था। तो आज ना मैंने सोचा कि आज इसका एक कोई उपाय, अच्छा उपाय सोच कर देती हूँ इसका, तो ये मैं पर्दा इसका बनाऊंगी, और इतना अच्छा पर्दा बनाऊंगी आप लोग देखोगे मंदिर में, बहुत ही ये देखने में सुंदर लगेगा। तो फ़िलहाल तो मैं अभी मंदिर को ठीक कर लेती हूँ। और ये जो कागज़ है ना, मैंने बताया ही कागज़ बोल रही, रंगीन ये पेपर है, तो ये रंगीन पेपर मिल जाती है बहुत ही सस्ते में, 2-3 रुपया में एक मिलता है शायद, तो ये ले मंगवा ली हूँ। और इसे ना पूरे में मैं इसे साट लूँगी, और यहाँ पर ना डबल साइडेड टेप से मैं ये साट दूँगी, क्योंकि अगर हम गोंद से इसे चिपकाऊंगी तो चिपकता भी नहीं है और दीवार पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा। तो मैंने उपाय इसका यही किया है, ये टेप बहुत ही अच्छा रहता है कि फ़ोटो वगैरह साटने में कुछ भी साट सकते हो, वह बहुत ही अच्छा रहता है, और ऊपर से क्या दीवार भी मेरा ख़राब नहीं होगा इससे। और फ्रेंड्स, घर में ना दो तरह की ऊर्जा पाई जाती है, घर में शुभ और अशुभ। तो शुभ ऊर्जा आने के लिए मंदिर का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम डेली पूजा करते हैं तो जितनी भी समस्याएं हमारी होती है ना, अपने आप ही दूर हो जाती है। और ना घर में मंदिर हो और
पूजा करने से बहुत ही शांति और मन तथा स्वास्थ्य का जितना समस्याएं होती है ना, सभी खत्म हो जाती है। और जिस घर में मंदिर ना हो, ना ही पूजा पाठ होती है, उस घर के सभी सदस्य का मन अशांत रहता है, विचलित रहता है, हमेशा नेगेटिव सोच आती रहती है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं होती। हम लोगों को हमेशा पीछे ले जाती है। और जिसके घर में मंदिर हो और उस घर के लोग कुछ नहीं, सिर्फ एक लोटा जल ही सूर्य भगवान पर चढ़ाते हैं ना, उतनी फ़ायदे होते हैं इनके, इतने फ़ायदे हैं कि पूछिए मत। मंदिर सुबह एक लोटा जल और शाम में ना दीपक जरूर घी या कपूर से जलाएं, ताकि ये जो ऊर्जा होती है, अच्छी वाली ऊर्जा, वो घर में प्रवेश करे, हमारे देवी देवता प्रवेश करे, हमारे भगवान प्रवेश करे, ना कि अशुभ चीज़ें प्रवेश करें। तो इन अशुभ चीज़ों को भगाने के लिए और अशुभ चीज़ें घर में प्रवेश ना करें, इसके लिए हम भगवान को हमेशा डेली की डेली पूजा जरूरी करना है। और यहाँ पर मैं गंगा जल से छींटे मार रही हूँ, क्योंकि ये शुद्ध कर देती हूँ पूरा अच्छी तरह से, और इसके बाद ही इस पर फ़ोटो वगैरह लाऊँगी और अच्छे से यहाँ पर सारे फ़ोटोज़ को ना एक अच्छे कपड़े से, न्यू कपड़े से मैं पोछूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पर पूजा रूम को ना मैं अच्छे से साफ़ सुथरे कपड़े से ही, दो कपड़ा रखती हूँ मैं यहाँ पर, एक तो मैं नीचे ज़मीन वगैरह पोछती हूँ पूजा का रूम, और एक मतलब यहाँ पर जितने नीचे का मतलब पोछती हूँ, और फ़ोटो वगैरह जो है ना वो उसके लिए अलग कपड़ा रखती हूँ, कि उससे सिर्फ फ़ोटो ही पोछती हूँ मैं अच्छे से, अलग अलग रखती हूँ कपड़े, क्योंकि दो एक ही कपड़े से दो चीज़ काम नहीं करनी चाहिए। ये है पर्दा जो मैं इसमें लगाकर आपको दिखाती हूँ, और ये मैंने ना दोनों तरफ से मैंने ये सील दिया है और इसे पर्दा बना दी हूँ, आप देखना कितना अच्छा लगेगा मेरा मंदिर। तो ये देखिए मेरा मंदिर पूरा बढ़िया और सुंदर लग रहा है ना, देख लग रहा है इतना कि दुल्हन की तरह एकदम तैयार हो गई है मेरा मंदिर। तो ये देख लीजिए इतना सुंदर, साड़ी तो बहुत सुंदर था, नेट का था, ये देखिए साड़ी का ही मैं पर्दा बना दी हूँ, और लग ही नहीं रहा है कि ये साड़ी का है, लग रहा है कि चुनरी है, चुनरी जैसा दिख रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये देखिए मेरा ऊपर, देखिए ऊपर वाले में मैं जितना सारे सामान पीतल वाले जो पूजा वगैरह मैं करती हूँ सब वहाँ पर रख दी हूँ, और गंगा जल रख दी हूँ, और जितना है डिबिया जिसमें सिंदूर, रोड़ी, अगरबत्ती, धूप, ये सारे चीज़ें हैं, हुमाद वगैरह, सारे मिश्री वगैरह जितना है, सारे सामान को मैं अच्छे से सेट कर दी हूँ, पर्दे लगा दी, और नीचे मेरा देखिए मंदिर तैयार है, बहुत ही सुंदर लग रहा था मंदिर मेरा। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी फ्रेंड्स, और अपने घर में अच्छे से पूजा पाठ ज़रूर करें।